Come on, people, put your hands up in the air. Come on. All the Anjaana say yeah, yeah, yeah. All the Anjaani say yeah, yeah, yeah. All the Anjaana say yeah, yeah, yeah. All the Anjaani say yeah, yeah, yeah. I met a boy and his name is Anjaana. Anjaani raahon mein ek hum safar mili. I met a girl and her name is Anjaani. Anjaana khwab ka ban gaya zindagi. Yun hi hoti hai na sab ki kahani shuru hogi kahan. Kisi din Anjaani ittefaqon mein laakhon mein milte hain ajnabi. Come on, let's go. Anjaana. Gentlemen, आप सभी का स्वागत है हीरो होंडा सारे का मापा सिंगिंग सुपरस्टार्स में. और आज वैसे यहां पे एक कमाल की बात देखने को मिली है कि आज हमारे साथ बड़े ही जाने पहचाने अनजाने हैं. और मैं आपका इनसे एक बार फिर से परिचय करा देता हूं. हमारे साथ हैं ये जाने पहचाने अनजाने, इन्हें मैं अनजाना कहूंगा, द हंक जिनका यहां सब इंतजार कर रहे थे, रणबीर कपूर. और जानी पहचानी अनजानी, द हॉट द क्यूट द कैरिस्मेटिक प्रियंका चोपड़ा. वैसे एक बात यहां पे कहनी पड़ेगी, चाहे वो इनकी कार हो चाहे वो इनका प्यार हो, ये बड़ी चर्चा में आजकल. मैं कहूंगा आप लोग क्यों ना अनजाना अनजानी के बारे में हमें कुछ बताएं प्लीज. जैसे आप जानते हैं, इट्स गिवन फैबुलस म्यूजिक बाय दी विशाल शेखर, हु एक्चुअली हैव गिवन म्यूजिक फॉर टू ऑफ माय मोस्ट स्पेशल फिल्म्स. सो थैंक यू सो मच, यू हैव पुट म्यूजिक इनटू माय लाइफ. एंड ये एक सिंपल सी लव स्टोरी है जो सिद्धार्थ आनंद इसके निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से स्क्रिप्ट को लिखा है, बहुत मेहनत से इन किरदारों को लिखा है. प्रियंका आप कुछ कहना चाहेंगी? वैसे तो रणबीर ने सब कुछ कह दिया. सारे गामा पा के हिस्सा में पहले रह चुकी हूँ मैं, आ चुकी हूँ इस शो पर और हमेशा बहुत ही फैबुलस मेमोरीज लेकर गई थी. मेरी पहली शादी हुई थी स्टेज पर. लेकिन अनजाना अनजानी बहुत स्पेशल फिल्म है, बहुत मज़ा, बहुत फन फिल्म है एंड एट द सेम टाइम एक सोलफुल लव स्टोरी है. एंड इन लोगों ने उसके म्यूजिक को देखकर चार चांद लगा दिया, आई हैव टू से. Let's also welcome the director of the movie Anjaana Anjaani. Please welcome Mr. Siddharth Anand. Oh, come on. Hello, Siddharth. Welcome to the show. Thank you. Are you? Join your gang. Oh, my God. मेरा इमोशन नहीं हुआ, थैंक गॉड. हाँ वैसे एक चीज, आज एक काम करते हैं, ठीक है ये अनजाना अनजानी हैं पर फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहाँ बैठना चाहेंगे? आप लोग मेंटोर्स के साथ बैठना चाहेंगे या आप हमारे इन अनजाना अनजानी इसके साथ बैठना चाहेंगे? आपकी मर्जी, आप बताइए. कैन आई डिसाइड? अच्छा यू डिसाइड. नहीं नहीं चल. अच्छा वी वुड लव, वी वुड लव टू सिट विद द मेंटोर्स, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट आई थिंक हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा अगर हम इनके साथ बैठे. सो वी लव टू. वाह क्या बात है यार, सुपर, फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड. सो प्लीज प्लीज टेक योर सीट. आप खूबसूरत तो दिखते हो लेकिन आप उससे भी और खूबसूरत गाते हो. सो वेरी वेरी नाइस.
छोटी सी और क्योंकि मुझे जेन्यूनली लगता है कि आपने एक प्लेबैक सिंगर के लेवल पे गाया आज. प्रियंका, वुड यू माइंड लिप सिंकिंग टू दिस जस्ट सो सुगंधा कैन गेट द एक्सपीरियंस. इस गाने की जो पिक्चराइजेशन थी, जिस तरह इन्होंने इस गाने को निभाया है, जिस तरह प्रियंका ने इस गाने को एक जान दी है विजुअली, और मेरा दावा है कि आपकी आवाज इन पे अलीशा से ज्यादा जचेगी. जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा चिंता चिंता, जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा. आप पहले मिले होते तो आपसे ही गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा था. और एक चीज कहनी बहुत जरूरी है यहाँ कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छे सिंगर है जो हम दोस्त जानते हैं, इंडस्ट्री में कुछ लोग जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि देश विदेश में लोग जाने कि हमारे पास ऐसे एक टैलेंट है, ऐसा टैलेंट है, ऐसे सिंगर्स हैं, और उसमें से एक बहुत बहुत ज़बरदस्त सिंगर है जो हमारे बीच में है, और मैं चाहता हूं कि वो हमारे लिए तिनका तिनका एक बार गा दे. दिस इज आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन दैट प्रियंका विल बी सिंगिंग तिनका तिनका, एंड दैट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज. जैसे भरा तिनका तिनका, जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा. हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा. मैं आपको बताऊं कि बारी है अगले परफॉर्मर की. ओए होए कमाल के यार, इनको मैं कहता हूं ये एकदम तुर्रम है क्योंकि इनका नाम ही खुर्रम है. खुर्रम आ जाओ यार मंच पर. मैं रणबीर जी को मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे गाने के लिए आके लिप सिंक कीजिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें अगर सिंगर की वॉइस जो है वो हीरो पे सूट करती है तो उसे गाना मिलता है. मैं चाहूंगा कि रणबीर जी मेरे लिए आके लिप सिंक कीजिए. मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मिलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों, अनजाने है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों. कैसे बताए क्यों तुझ
मुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तू दे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना।